बसमानर दोस्तों में हूँ मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टी वी यूट्यूब चैनल तो आज हम जो है दो हज़ार बीस में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए टेस्ट लिया था इंग्लिश लैक्चर का वो टेस्ट जो है दो हज़ार बीस वाला सोल्व फॉर्म में आंसर्स के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो चलें स्टार्ट करते हैं प्लीज़ डू नाट लॉफ एट तो ये लॉफ एट इज़ ट्रू आंसर एट आया था साउंड्स यूजली एसोसिएटेड विद लेटर्स सच एज लेटर्स है एट विच द एयर पासिस थ्रू ए दैट काज द एयर टू फ्लो टर्बुलेंटली एंड दस क्रिएट ए नॉइजी साउंड आर कॉल्ड फ्रीकेटिव ये जॉर्ज यूल की जो बुक है स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसमें से लिया गया है ये रिलेटेड एमसी क्यू है ये नेक्स्ट वी लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है नॉर्मल फोनोलॉजिकल डेविएश्रन मेक वेन प्रोनाउसिंग साउंड आर रेफर टू एज फोनोलॉजिकल प्रोसेस तो यह फोनोलॉजिकल प्रोसेस इसका आंसर है इसे फोनोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं करेक्ट एंटो नेम ऑफ ग्रोटेस्क इज ग्रेसफुल देयर वॉज अ ग्रेट यू एंड क्राई अगेंस्ट हार्डीज नावल टेस्ट एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर बिकॉज ऑफ ओबसिनिटी इन दैम ऑबसिनिटी यहाँ पर सही आंसर था ये जितने भी मैंने बताए ये मेरे ठीक थे रेस्टोरेशन पीरियड सा द राइज ऑफ हीरक ट्रेजिडी ये भी मैंने यही लगाया था ये भी ठीक हो गया मोस्ट ऑफ द नावल्स ऑफ के के नारायण इज सेट इन ये लफज है ये सही आंसर दिया गया ये ए, मैंने गलत किया था तो ये जो दस एम सी क्यूज़ आए थे ना इंडियन के ऑथर्स के वो भी गलती से मैंने लगा दिए दस के दस गलत हुए तो पॉइंट टू फाइव जो है नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी में इस चीज़ का आपने जो है वो इस चीज़ को माइंड में रखना है इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्स वर्थ प्रोनाउंस हिज थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन की थ्योरी दी थी इसने बहुत जो है वो आसान पेपर था कॉमन पोइटिक क्वालिटी ये देखें लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है मैंने जो है अपनी प्लेलिस्ट जो है इस चैनल की उसमें इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ हैं उसमें अमेरिकन लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिंग्विस्टिक वो सारे एम अपलोड किए हैं आप वो जाकर वहाँ पर इसमें मैं लिंक भी ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं तो ये जो है लिया गया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म से कॉमन पोइटिक क्वालिटी बिटवीन कीट्स एंड टेनिसन इज पिक्टोरियल एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर असाइंड टू द टू द थर्टीन प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड बाय हॉकेट इसका सही आंसर है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स व्हेन द बेबी इज थ्री मंथ्स ओल्ड ये भी एज और जूल की बुक से है लिंग्विस्टिक वाली ही शी कैन प्रोड्यूस वॉलर साउंड एंड वॉल्स आई यू दिस स्टेज इज कॉल्ड कोइंग स्टेज है शेक्सपियर ने कितने जो हैं वो प्लेज लिखे थर्टी सेवन मैंने गलती से थर्टी एट लगा दी तो बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक नंबर तो इसका गया था पॉइंट फाइव मेरे उसके गए ये गलतियां है जो हैं मैंने पिछले पेपर में की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा ना हो चॉम्स की वॉज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू इसका जो है वो सही आंसर जो है वो लिंग्विस्टिक पीरियड है क्लोज शेव मीन नैरो एस्केप ये भी मैंने बिल्कुल ठीक लगाया था लॉर्ड बायरन बिलोंग्स टू लॉर्ड बायरन का तलक किस एज से है तो रोमेंटिक ऐज से है मार्लो सिंपली प्रिपेयर द वे फॉर द मास्टर हो वाज टू फॉलो ये शेक्सपियर के लिए है हु इज द मास्टर आंसर है शेक्सपियर टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज रिलेटेड मीनिंग्स ये सिनोनिम के लिए कहते हैं योरो सवित्री इज़ एन एपिक ऑफ दी सोल ये भी मैंने गलत कर दिया था इन विच नावल ऑफ हिज लारेंस डेल्ट विद द साइकोलॉजिकल फ़िनिना सच एज एडिपस कॉम्प्लेक्स ये भी हमने पढ़ा था बी एस में सन् लवर्स जो हैं वो मदर सन रिलेशनशिप पे साइकोलॉजिकल जो है वो, uh, uh, वो फिनिना जो है ये एडिपस uh, कॉम्प्लेक्स वाला तो हम देखते हैं साम्ज़ एंड लेवर्स में मीनिंग ऑफ एथीमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ औरिजन यह देखें कितने आसान एम से क्यूज़ आए थे बेकन ऐसेज आर रिगार्डिड एज कम्पेडियम्स ऑफ वर्ल्डली विजडम बिल्कुल मैं इस जब ये मैंने तकरीबा फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में बेकन को पढ़ा था यकीन कर इतनी प्यारी बातें करता इतने प्यारे ऐसेज हैं इसके वर्ल्ली विजडम है उसमें द ओल्ड वाइफ टेल इज़ अल बाय आर्नल्ड बैनेट ये नहीं पता था मुझे हीज वर्स इज सेंस एंड पैशनेट एंड इट्स इज द बेस्ट सिम्पल दस अकॉर्डिंग विद मिल्ट फेमस डेफिनेशन अबाउट होम हैज दिस बीन सेट ये किसके बारे में कहा गया था वॉल्ट विटमन के बारे में मुझे नहीं याद मैंने क्या लगाया था गलत ही लगाया था शायद

लिटरेचर के अलहदा से आ रहे हैं सिर्फ आपने लिटरेचर ही प्रिपेयर नहीं करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म अमेरिकन लिटरेचर ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है एमली ब्रोंटे रोट ओनली वन नावल दैट इज़ वदरिंग हाइट्स द फेरी क्वीन इज एन एलिगोरिकल पोएम एलिगोरिकल जो है ये पोएम है जी <coughs> उसके बाद है जी इंटेलेक्चुअली

जो जॉर्ज यूल की बुक पढ़ाई थी ये देखें सारे के सारे एम उसी में से आ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक्स हैं हु ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल बंगाली पोएम ऑफ गीतांजली इंटू इंग्लिश नाथ टैगोर ये भी गलत किया था मैंने नेम गिवन टू दोयर्स ऑफ द आर्डन ग्रुप वॉज ये भी नहीं पता था न्यू सिग्नेचर्स एड एलन पो रॉट रिव्यूज फॉर अ ईयर फॉर ए मैगजीन नेम्ड ये भी नहीं पता था ये इसका सही आंसर है साउथ लिटरेरी मैसेजर व्हाट वाज न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक्स डेवलप्ड इन द फोर्टीज़ तो ये मैंने पता नहीं क्या लगाया था लेकिन गलत लगाया था उसका सही बनता था मूवेबल स्टाइल ये देखें ये हिस्ट्री से आया है डिडक्टिव मैथड प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये सही था होली सोनेट्स वॉज रिटन बाय जॉन्टन ने लिखी थी सरोजनी नेडूज पोएम द कोइंज रिवर इज बेज ऑन ए परशियन लेजेंड तो पर्शियन लेजेंड पे है द वर्ल्ड नॉवल इज डिराइव फ्राम द इटेलियन मी विच इज नोवेला नोवेला इसका सही आंसर है द नेम ऑफ द टेक्निकॉड बाई जेम जोय नावल ये तो बड़ा आसान स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन एंग्लो सैक्सन हीरो पोइट्री वट इज द फेट ऑफ दो ये जो मैंने एम सी क्यू शेयर किए हैं ना लिट, आ, हिस्ट्री वाले ये भी हिस्ट्री वाला है तो एवर लास्टिंग शेम इसका आंसर है ये दान्याल मनस वाली जो बुक है वाली ये काफ़ी सारा उस उसमें से आए हैं फिर आ, फिर इसके बाद है जी नेक्स्ट पे जाते हैं शेक्सपियर्स प्लेज लाइक मार्लो किड पील एंड ग्रीन ग्रीन इज शेक्सपियरियन प्ले राइट्स मार्लो किड पील ग्रीन थॉमस एश इस तरह करके ये uh, हैं राइटर्स तो प्ले राइट्स तो ये यूनिवर्सिटी वेट्स कहलाते हैं द टाइम पीरियड फ्राम

एन शी सर्व फॉइल एन मॉडल टू नोरा फॉइल कहते हैं बिल्कुल अपोजिट यानी कि जैसे आप आ, आ, मार्ज मार्जिन लाइन ही लगाते या आउटलाइन लगाते हैं एक लाइन के ऊपर जिससे वो वाजे हो जाती है तो फॉयल भी ऐसे है कि जब आप बिल्कुल ऑपोजिट करैक्टर देते हैं जो हीरो से बिल्कुल अपोजिट हो उसमें करैक्टरिस्टिक्स वो ना हो तो हीरो के जो करेक्टर्स हैं उस, उसको जो है उजागर होने में ज्यादा जो है वो होता उजागर होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वाजे होता है जब उसके ऑपोजिट जो फॉयल करेक्टर होता है उसकी करेक्टरिस्टिक से कंपेयर किया जाता है तो उसकी खूबियाँ उजागर होती हैं उसका करेक्टर खुल के वाजे होता है तो नौरा इसका सही आंसर था यही लगाया था फिर ग्लास मैनेजरी का पूछा गया किससे लिखी गई है ये अमेरिकन जो है ये प्ले है बहुत ही खूबसूरत इस पर पीटीवी पे ड्रामा भी है और मैंने इस पर समरी भी बनाई हुई है अपने चैनल पे आप वो भी जरूर देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है ये प्ले था टेनिस विलियम ने ये लिखा और टेनिस विलियम की लाइफ को जरूर पढ़िएगा तीन दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश करता है ये लेकिन एंड पे ये लिखना स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजारता है फास्टस आस्क टू मजिशियंस ये डॉक्टर फास्टस आ गया जनाब मार्लो का प्ले वेलडेज एंड कॉर्लियस ठीक है ये इसका सही आंसर है ठीक है है. ये माया इज सेंट्रल कैरेक्टर अनिता दि साइज नावल क्राई दिकॉक ये मैंने गलत लगा दिया था पता नहीं क्या लगाया था सिनो ऑफ सिरकमेंट इज एवॉइड ये भी नहीं पता था मास्ट्रो पेरी एंड टर्थ ट बिटवीन स्पीच पैटर्न स्पीच पैटर्न में एक नया बच्चा जो है ये फर्क महसूस कर सकता है ये जो है बिलाल हैज ए ये लिंग्विस्टिक में से है बिलाल हैज ए प्रगमेटिक्स kind of तो अच्छा जी उसके बाद ये पूछा गया था मैं पढ़ के गया था मैंने ये एकदम से पढ़ा मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने बुक से पढ़ रहा था जॉर्ज औरवेल का असल नाम एरिक प्लेयर है तो वो जब मैं सुबह पेपर में बैठा पेपर दे रहा था मैंने कहा वाह क्या बात है वही एम सी जो है आ गया है तो एरिक ब्लेयर नाम है जॉर्ज ऑरवेल का द गोल्डन ब्रेथ इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम बाय मुल्क राज अनंत ये लिटरेरी क्रिटिसिजम का वर्क है ये देखें जो इंडियन वाले हैं हमने पढ़े ही नहीं थे तोजो नहीं दी ये दस बारह आए ये इन्होंने बेड़ा बिठाया जनाब पेपर बिल्कुल जहाँ साठ नंबर आए सत्तर आने थे पोस्ट कॉलोनी लिटरेचर एड्रेस न्यू कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कलोनीस ये आंसर है द इंग्लिश स्पेंसर से बाई कौन था ये नहीं पता था ये लिटरेरी क्रिटिसिजम से है लास्ट नाइट तो ये सेंटेंस था देखना था कौन सा सही है साइक्लोन इन पाकिस्तान इज अ इज़ अ पोइटिकल वर्क बाय सुनीता नाम जोशी ये भी नहीं पता था ये पाकिस्तानी लिटरेचर भी आपने तैयार करना है साउथ एशियन लिटरेचर भी करना है वर्ल्ड लिटरेचर भी करना है अमेरिकन लिटरेचर भी करना है आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और आपने कम अज़ कम दस घंटे पढ़ा करें यार अंकल टॉम्स कैबन इज़ रिटर्न बाय हैरट बैचर स्टो ये भी नहीं पता था अब पता लग गया क्रिएट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर शलोक होम्स इज़ आर्थर कैनन डॉयल ये बड़े प्यारे प्ले जो हैं ये प्लेज हैं और मैंने ये यूट्यूब पे ये सारे जो हैं देखे हैं वीडियोस की फॉर्म में हैं ये बड़े बड़ी अच्छी एक्टिंग है, है कैसा नवाज चाइनीज एसडेंट इज़ अ नावल बाय एंथोनी पोवेल तो ये आपने अपने कोर्स से हटके भी इस तरह के भी पढ़ने हैं कि कौन सा नावल किसने लिखा है कौन सा वर्क किसने लिखा है हैंनरी फील्डिंग नावल्स आर कॉल्ड कॉमी इन प्रोज ये हमने पढ़ा था थर्ड था सेमेस्टर में आ, नावल के बारे में नावल पोइट्री पोइट्री नावल ड्रामा ये सारे जो हैं आपने इसकी हिस्ट्री पढ़नी है सारी डिटेल में इनको पढ़ना है कैसे स्टार्ट हुआ किसके नामज को क्या कहा जाता है इसकी क्या टाइप्स हैं कंट्स हैं इसकी हिस्ट्री क्या है ये सारा कुछ आपने स्टडी करना है इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रुप दैट ट्राइड टू स्प्रेड कैथोलिक टीचिंग आफ्टर द द जैसूट्स तो <coughs> ये जो है ये भी नहीं पता था सिंटैक्स इज स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर किड्स डाइड ऑफ टबर क्यूलिसमोस्ट सेम एज आइसलैंडिक स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ये भी नहीं पता था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस देता है वो स्ट्रेस देता है uh, कि स्टूडेंट्स गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस

ये बी देखिए ये जो मेरे वाला पेपर था उसमें ये सबसे पहला एम सी क्यू था वो वर औरल स्पीकर एंगल सेक्शन और ज्यूट्स अरंधत्ती राय हैज़ बीन अवार्डेड द बुकर्स प्राइज़ ऑन द दावल इसकी ये इंतहाई प्यारा नावल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है इसकी समरी भी मेरे चैनल पे है इससे आप फेमिलियर हो सकते हैं और जो इंडियन लिटरेचर है उसमें अरंधत्ती राय बहुत जो है फेमस है उसको ज़रूर पढ़े हु कॉल ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिजम ये भी नहीं पता था बाद में मैंने जब घर आके देखा सर्च की तो मुझे पता लगा कि ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा डॉक्टर जॉनसन ने जेम कॉपर इज द राइटर ऑफ द स्पाई एंड इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट ग्रेड अमेरिकन नावलिस्ट इसे जेम्स कॉपर को कहा जाता है फर्स्ट अमेरिकन नावलिस्ट डैश आर कॉन्ट्स फॉर विच द फ्लो ऑफ एयर इज स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय लिप्स बाय बाय ले बाय का मतलब दो लेबिल uh, uh, ये लिप्स से बाई लिप्स को जोड़ के लिप्स uh, से जो है आवाज़ निकलती प ब इससे करके इंग्लिश बिलोंग्स टू जर्मानिक लैंग्वेज ग्रुप ठीक है जर्मानिक जो है ये सही आंसर है द टाइटल ऑफ सर फिलिप फिलिपेमांस इन प्रोज इज द के उसके बाद है ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मिडिल बुक्स ये देखें ये दाना वाली बुक सही है कि लार्ज ये लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से है लार्ज नंबर ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड इन द दिन ऑफ मनाटीज इन फिफ्टीन थर्टीज ने नेडू इज चीफली आर डैश पोइट लिरिक पोइट है जी हमें कुछ नहीं पता था अब इंडियन लिटरेचर ज़रूर पढ़ के जाएंगे द स्टडी ऑफ विच वर्ड टुगेदर एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ को ऑकरेंस सही आंसर है कोलोकेशन यही लगाया था न्यूली रिलीज बुक इन टू थाउजेंड ट्वेंटी द पेंडेमिक सेंचुरी इज रिटर्न बाय मार्क हंग्स बम ये भी नहीं पता था जो मैंने लिटरेचर की बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी की थी तो जो जनरल नॉलेज है उसकी बहुत कम की थी लेकिन आए आसान थे आर कॉर्नी प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ वो कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ डी एन डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन ने डिस्कवर किया था ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड किया था जॉन बॉर्डेन ने ये टेंथ क्लास की कंप्यूटर में द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद टेनिस कॉन्टस इज द एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये अब आ गए जनाब जो जनरल नॉलेज है वो वाले बीस नंबर के दंट्री पनामा इज सिचुएटेड साउथ अमेरिका में चार्टर ऑफ मदीना मैंने पता क्या लगा था मैंने मुस्लिम क्रिस्ू ये तीनों का लगा दिया था विच कजन ऑफ द होली प्रोफिट मुफसर है कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास दट की ज़रूर करके जाइएगा एम एस वर्ड दो हज़ार इक्कीस इक्वे ऑप्शन आर अवेलेबल इन मेन्यू इंसर्ट मेन्यू में होते हैं ये इंतहाई आसान मैथ का आया था और इसको सॉल्व करके लगा दिया था बिल्कुल सही था या फिर दूसरा जो मैथ का है वो भी जना माई, प्लस माइनस ही करना था सेडिमेंटरी रॉक्स आर पोरस आ, पेम्पिलोन बीच कहाँ है फ्रांस में कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जियारत है तो इस टाइप के जो थे ना आसान आसान आए थे लेकिन आ, करंट जो थे अफेयर्स में से ना थे वो उसके बाद उर्दू के थे के अनोखी बात हावरा काफूर का मतलब क्या है और एक और था इस तरह करके उर्दू के भी दो आए थे तो ये था जनाब पेपर मैंने बातों बातों में बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से बातों बातों में समझा दूं बता दूं और आप बोर ना हो तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपको अंदाजा हो गया है कि लिटरेचर में शेक्सपियर हो गया मार्लो हो गया स्पेंसर हो गया पोप हो गया ये मेन राइटर्स में से तो एम सी क्यूज आते हैं लेकिन इससे हट के जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो लिंग्विस्टिक है जो उसके अलावा जो अमेरिकन लिटरेचर है जो पाकिस्तानी लिटरेचर है जो वर्ल्ड लिटरेचर है जो इंडियन लिटरेचर है जो साउथ एशियन लिटरेचर उसमें से भी एम सी आते हैं और हमने साथ साथ जो जनरल नॉलेज है जिसमें हु इज़ हु वट इज़ वर्ट जो है उसको प्रिपेयर करना है कौन क्या है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ